हेलो एवरीवन, मैं सभा शगत हूँ आपके साथ और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ दो छोटे बच्चों की और एक गांव की, जिस गांव का नाम था चंदानगर। उसमें दो बच्चे रहते थे, चन्ना और मुन्ना। चन्ना जरा शांत स्वभाव का था और मुन्ना हर टाइम बोलता रहता था और दूसरों की बातें कम सुनता था और खुद ज़्यादा बोलता था। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे, अचानक उन्हें रास्ते में एक चिराग दिखाई दिया, सोने का चिराग, जिसे चन्ना ने अपने हाथों में उठा लिया। इसे देखकर चन्ना ने कहा कि ये तो कोई जादुई चिराग लगता है। उससे ये बोल ही रहा था कि मुन्ना ने बोला कि इसे पहले मैंने देखा था, इसलिए ये चिराग मुझे दे दो, ये चिराग मेरा है। चन्ना और मुन्ना दोनों इस बात पे लड़ाई ही कर रहे थे कि अचानक उस जो चिराग है उसमें से एक जिन निकलकर सामने खड़ा हो गया। उस जिन ने कहा कि तुम दोनों लड़ाई मत करो, मैं तुम दोनों के सामने दो चीज़ें रख रहा हूँ और इन दो चीज़ों में से तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। उसमें एक चीज़ थी, छोटी सी एक बक्सा रखा हुआ था और एक बड़ा सा सोने का पिटारा रखा हुआ था जिसमें सोना भरा था। चन्ना बेचारा सीधा साधा था। मुन्ना ने कहा कि मैं इस सोने से भरा हुआ जो बूरा है मैं इसे लूँगा, और दोनों अपना अपना सामान लेकर चल दिए। मुन्ना को क्योंकि सोने से भरा हुआ बूरा मिल गया था, इसलिए उसने अपना एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया, नौकर चाकर रखे, ढंग से खाना पीना खाता था और कोई काम भी नहीं करता था। धीरे धीरे उसका पैसा ख़त्म हो गया और नौकर भी उस महल को छोड़कर चले गए। उसके पास सारा पैसा ख़त्म हो गया, उसने घर भेज दिया और अचानक उसने पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक देखा कि मुन्ना आया और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। चन्ना ने बताया कि उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया है। तो चन्ना ने उससे कहा कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। दोनों एक साथ चल दिए। आगे गए तो एक बहुत ही आलीशान घर बना हुआ था। उस घर के बाहर नौकर खड़े थे, जिन्होंने चन्ना को नमस्ते किया और मुन्ना ने पूछा कि क्या ये घर तुम्हारा है। चन्ना ने कहा हाँ ये घर मेरा है। मुन्ना ने पूछा कि तुमने इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया। तो चन्ना ने उसे बताया कि जिस दिन मैंने वो छोटा सा पिटारा लिया था उसमें एक पेपर रखा था और उस पेपर पे लिखा था कि तुम जब जब इसे खोलोगे तब तब इसमें से एक सिक्का निकलेगा और उसी से मैंने ये सब बनाया है। और इस पर और मुन्ना से उसने ये भी कहा कि तुमने एक ही बार में सारा पैसा ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने जब जब इसे खोला तब तक मुझे ही मिला है। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और बड़ों की बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, तब बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच।